तो मैं आपको सिखाएंगे ये प्रोफाइल डीपी कैसे बनाए जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपनी एक और न्यू फोटो मेकिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं, जैसे कि आपने इस तरह के प्रोफाइल फोटो डीपी कई बार देखे होंगे, लेकिन इन्हें देख के आपके मन में भी इन्हें बनाने का विचार आता है। व्हाट रीजन, इन्हें बनाया कैसे जाता है, बनाना नहीं आता है। तो चलिए हम इसी वीडियो में आपको सिखाएंगे ये प्रोफाइल डीपी कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, बिना स्किप करें, ताकि आपके समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो आपको आ जाना अपनी गैलरी में। एंड गैलरी में आने के बाद आपको उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपको डीपी बनाना है। तो चलिए हम एडम अपने लाइट रूम में आ जाएंगे। एंड उसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर का फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। एंड आपका फोटो लॉन्ग है तो उसे आपको कर देना है यहीं से एडिट करके क्रॉप। तो देखिए आपको पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड यहां से फोटो को हम कर देंगे क्रॉप। तो चलिए फोटो को हमने यहां पे क्रॉप कर दिया, एंड इसे कर देंगे सेव। तो देखिए इतना कर देने के बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, एंड लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर इंटर कर देना फोटो को। तो देखिए जब तक फोटो एंटर हो रहा है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आप लोग करते नहीं हो और हमारे चैनल का जो रैंक है काफ़ी माइनस हो चुका है, तो वीडियो पे व्यूज भी नहीं आते। पहले तो आ भी जाते थे, अब वो भी नहीं आते। तो देखिए इतना कर देने के बाद आपके सामने कई ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे व्हाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट। इनमें से आपको कोई सेलेक्ट नहीं करना है, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करते रहना जब तक आपको डीपी ना मिले। तो आपको एक साथ कई सारे डीपी चाहिए, तो उसके लिए आपको स्क्रॉल करते रहना है। एंड स्क्रॉल करते करते आपको देखिए थोड़ा नीचे की तरफ ज़रूर मिलेगा। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्स आ चुका है। तो देखिए बीच वाला जो है प्रोफाइल पिक्स, एंड यहाँ पे सी ऑल कर देंगे तो हमें काफ़ी पिक्चर्स जो है शो हो जाएंगे। तो देखिए उसी तरीके का कई जो है हमारे सामने फ़ोटो आ चुके हैं, तो इनमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। बाकी आप यहां से सेलेक्ट करके इसमें वॉच एक्स्ट्रा भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम वो भी आपको करके दिखा रहे हैं। तो जैसे हमने इस फोटो को सेलेक्ट किया जो हमें फ़ोटो अच्छा लग रहा है, एंड उसके बाद इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी चॉइस है। तो चलिए हम छोटा नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर इतना ही अच्छा लग रहा है। एंड छोटा कर लेंगे तो जो हमारा डीपी काफ़ी अच्छे से लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम डीपी को छोटा कर लिए। एंड छोटा कर देने के बाद आपको क्या करना, आउटलाइन सेट करना। तो यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे, एंड आपको लो रखनी है आउटलाइन तो लो भी कर सकते हैं, एंड आपको ब्लर अच्छा लगता है तो आउटलाइन ब्लर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्लर करेंगे तो काफ़ी अच्छा अमेजिंग सा नज़रिया आपको दिखाई देगा। तो 40 रख सकते हैं, एंड उसके बाद कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे व्हाइट ही अच्छा लग रहा है। एंड आपको शेडो अगर चाहिए तो यहाँ पे शेडो भी कर सकते हैं। तो देखिए शेडो भी हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड शेडो आपको किस तरफ करना है तो वो आप मूव कर सकते हैं, मूव करके आप जिस तरफ शेडो चाहते हो उस तरफ हो जाएगा। तो देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डन कर देना। एंड डन करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ से ब्लर फिल्टर, अगर आपको फिल्टर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, एंड इफेक्ट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो आपको इसमें जितना चाहिए वो कर सकते हैं, बाकी हम वीडियो में आपको फुल डिटेल्स दे चुके हैं। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हम कोई न्यू एडिटिंग ट्यूटोरियल लाएँ तो उसका सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।